गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जो फंडामेंटल बातें थी वो जाने थे। आज हम यह देखेंगे कि इस हार्ट के माध्यम से सर्कुलेशन का काम कैसे होता है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, परिसंचरण तंत्र में तीन घटक थे, पहला रक्त, दूसरा हृदय और तीसरा नंबर आएगा रक्तवाहिनी का और रक्तवाहिका का। अब मोटे तौर पर पहले हम इसको देख लें कि कहां कहां ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है। तो आप जान लें, यहां कुछ टर्म्स में लिखा हूं। सिरा, यह एक रक्त नलिका है। हर अंग से सिराएं आपस में मिलते मिलते अंततः महाशिरा की रचना करते हैं। इसी तरह धमनी रक्त नलिका है जो मोटे पाइपलाइन के रूप में निकलती है और आगे जाकर धीरे धीरे ब्रांचिंग होते हुए धमनी और धमनिका में कन्वर्ट कर जाती है। जैसा कि कल चर्चा हुई थी, ऑरिकल और वेंट्रिकल, आलिंद और निलय। आप, ये हमारा दाया आलिंद है, ये हमारा बाया आलिंद है, ये दाया निलय और ये बाया निलय। मोटे तौर पर ऊपर वाले दो प्रकोष्ठ आलिंद, नीचे वाले दो प्रकोष्ठ निलय, और अकॉर्डिंग टू पोजीशन दाएं साइड वाले को दाया, बाएं साइड वाले को बाया। अब हम ब्लड सर्कुलेशन को देखें तो महाशिरा जो है ये संपूर्ण शरीर के अशुद्ध रक्त को, महाशिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है और धमनी शुद्ध रक्त का। अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त का क्या मतलब? जो रक्त ऑक्सीजन से युक्त है वह अशुद्ध और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो अशुद्ध है। तो महाशिरा अशुद्ध रक्त को लेकर कहां आती है? महाशिरा, आप देखें यहां फिगर में, फर्स्ट महाशिरा और अग्र महाशिरा, नीचे मतलब पीछे और आगे दोनों तरफ से जो सिराएं हैं, महाशिराएं, वे अपने अशुद्ध रक्त को लाती हैं दाएं आलिंद में, राइट ऑरिकल में। कोई प्रॉब्लम? शायद नहीं। अब दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त जो है वो आता कहां है? दाएं निलय में, दाएं निलय में आता है, ये भी अशुद्ध रक्त है। अब यहां एक हम चित्र नुमा रचना बनाए हैं, चूंकि पीछे का पोर्शन है, चित्र से दिखाना संभव नहीं होगा। तो यहां से यह अशुद्ध रक्त जो है वो एक विशिष्ट नलिका द्वारा फेफड़े को जाती है। फेफड़ा में क्यों जाती है? ताकि अशुद्ध रक्त अपना CO2 छोड़ सके और वहां से ऑक्सीजन ग्रहण करके शुद्ध रक्त को ला सके। अब ये जिस रक्त नलिका जिससे निकलकर अशुद्ध रक्त जाती है फेफड़े में, इसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं। अब यहां एक अपवाद है, सारे शरीर में धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को लेके हृदय तक पहुंचाती है। ठीक इसी तरह सिरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है लेकिन फेफड़े से जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त मिलते हैं उस रक्त को फुफ्फुस सिरा लेकर आती है, कहां? बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद से वो कहां आती है? बाएं निलय में। और बाएं निलय में भी एक मैं छिद्र नुमा रचना दिखा रहा हूं, ये अंदर से दिखाना संभव नहीं है, ये बाहर की ओर निकलती है
महाधमनी के रूप में, महाधमनी जिसमें शुद्ध रक्त, आप गौर करें अशुद्ध रक्त आया दाएं आलिंद में, यहां से गया बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से वो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में गया, फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ऑक्सीजन लिया अर्थात शुद्ध हुआ, और फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आया बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से आया बाएं निलय में, और बाएं निलय से वो महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में वितरित होने के लिए निकल गया। ये दोनों संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर आए थे, अब महाधमनी शुद्ध रक्त लेके संपूर्ण शरीर में पहुंचाएगी। तो दाएं निलय में आया, और दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहां गया, फेफड़ा में, फेफड़ा से कहां आया, फुफ्फुस शिरा होते हुए, फुफ्फुस शिरा। अभी फुफ्फुस शिरा में क्या है, शुद्ध रक्त, ये कहां आया, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से आया बाएं निलय में, और बाएं निलय से यह महाधमनी। आप गौर करें महाशिरा क्या लेकर चला था, अशुद्ध रक्त, यहां फुफ्फुस शिरा के बाद क्या निकल के आया, शुद्ध रक्त। इस प्रकार यह पूरे शरीर में गई, अब फिर घूमकर अशुद्ध रक्त महाशिरा में आएगी। अब इसमें आप देखें कि ये चार प्रकोष्ठ में साइज क्या होता है। तो कल मैं बताया था ये बीच का जो सेप्टम है, अंतर आलिंद विभाजक रेखा जो है, और फिर यहां अंतर निलय विभाजक रेखा जो है, इसकी रचना पर गौर करें आप, तो ये दीवार इधर की ओर झुकी होती है, इधर की ओर, और यही दीवार यहां आकर इधर की ओर थोड़ी सी कर्व करती है। मतलब यह चेंबर बड़ा होगा, यह चेंबर छोटा होगा, फिर यह चेंबर छोटा होगा, और यह चेंबर बड़ा होगा। ये कंसेप्ट की बात मैं कर रहा हूं। अब ब्लड जब आएंगे तो एक यहां से यहां आए मैं बता रहा हूं, तो क्या यहां से यहां फिर लौटेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर दोनों दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिदलीय कपाट उपस्थित होती है, जिसके कारण ब्लड दाएं आलिंद से दाएं निलय में तो आ सकता है, लेकिन दाएं निलय से पुनः दाएं आलिंद में नहीं जाएगा। यहां पर त्रिदली कपाट की उपस्थिति होती है। ठीक इसी तरह बाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में तो आती है, लेकिन बाएं निलय से बाएं आलिंद में नहीं जाती है, क्योंकि यहां द्विदली कपाट पाए जाते हैं। अब मैं बताया था कल कि हमारी जो हृदय है वह पंपिंग की क्रिया द्वारा अपना कार्य करती है। पंपिंग में आप समझ सकते हैं कि एक बार संकुचन फिर शिथिलन, फिर संकुचन फिर शिथिलन, फिर संकुचन फिर शिथिलन। तो ये जब ये सिकुड़ती है तो ब्लड यहां से यहां आते हैं, और जब यहां आते हैं तो फिर शिथिलन हो जाता है, फिर जब ये संकुचित होते हैं तो यहां आती है, बाहर निकल जाती है। इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि एक बार यहां से यहां, फिर यहां से शुद्ध होने गया, फिर यहां से यहां और यहां, इस प्रकार एक ही हृदय के चार प्रकोष्ठों में
ये आप बाउंड्री लाइन को देखें तो इधर दोनों चैंबर में अशुद्ध रक्त, इधर दोनों चैंबर में शुद्ध रक्त। तो इस प्रकार एक ही हृदय में संकुचन की क्रिया द्वारा दो बार ब्लड बाहर निकलता है और अंदर होता है। इस प्रकार इसके गतिविधि और इस कैरेक्टर के कारण इसे द्विगुण परिवहन के अंतर्गत रखा जाता है और संकुचन और प्रकुंचन यही दोनों पंपिंग का स्टेज है। इस स्थिति में शुद्ध और अशुद्ध रक्त, अब ये जो मैं बताया कि अशुद्ध रक्त महाशिरा से होते हुए दाएं नीलय फुफ्फुस धमनी फेफड़ा फुफ्फुस शिरा बाएं आलिंद बाएं नीलय महाधमनी और फिर, तो एक चक्र जो पूरा हुआ इसे हम हृदय चक्र कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि हृदय चक्र का क्या मतलब, तो आप बताएंगे कि ब्लड का एक चक्कर पूरा हो जाना, मतलब अशुद्ध रक्त यदि आया तो अशुद्ध रक्त के आने से लेकर उसका फेफड़ा में जाकर शुद्ध होना, फिर हृदय में आना, फिर वहां से शुद्ध रक्त का निकलना और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाना। इस प्रकार एक चक्र पूरा अगर ब्लड कर लेता है तो उसे हम हृदय चक्र कहते हैं। कुल मिलाकर ये फेफड़े की हृदय की कार्य पद्धति है। अब इसे हम आपको परिपाटी भाषागत रूप से प्रस्तुत करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझ रहा हूं कि आप इस इनसाइड ऑफ द हार्ट और फेफड़े तक उसके जाने आने की प्रक्रिया को आपने देखा। रक्त के प्रवाह के ये चक्र हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इससे ओरिएंटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे संकुचन और प्रकुचन की अवस्था, हृदय चक्र क्या है, पेसमेकर क्या है, उसकी क्या भूमिका है और इससे जुड़े अन्य जो प्रश्न होंगे उसके समाधान किए जाएंगे। धन्यवाद।